देखिए आज पूरा देश चिंतित है, राजनीतिक दल चिंतित है, पूरा विपक्ष चिंतित है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देश में लोकतंत्र को कुचल रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव को इस तरह से जीतना चाहती है कि लड़ने के लिए सिर्फ एक ही खिलाड़ी मैदान में रहें और रेस से बाकी लोग वैसे ही भाग जाएं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया और जिस तरह से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया और पब्लिक डोमेन में सारी बातें को लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से कंटिन्यूअसली दबाव डाला गया, तब ये बात सामने आई कि किस तरह से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के मामले में राजनीतिक दलों को जो चंदा मिला उसमें 60% से ज्यादा चंदा अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और यह भी बहुत चिंताजनक बात है कि जो क्रोनोलॉजी चंदे का है कि पहले आईटी का रेड, इनकम टैक्स का रेड, उसके बाद में कार्रवाई, उसके बाद में चंदा और उसके बाद में फिर उसको छूट। पहले आप उसको डराइए कॉर्पोरेट जगत के लोगों को, संस्थाओं को, उसके बाद उनको ठेका दीजिए, उनको दवा बनाने के लिए दीजिए, उससे पैसा लीजिए। तो ये पूरा मामला इस बात को बता रहा है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड सुनियोजित तरीके से एक तरह से पैसा को बटोरने का और लूटने का बाजाबता एक रैकेट भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, जिसको एक कानूनी जामा पहनाने का काम, आवरण बनाने का काम 2018 में दिया गया था। लेकिन हम बधाई देते हैं वैसे लोगों को, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और बाकी लोग जो सुप्रीम कोर्ट में गए और लगातार 2018 से संघर्ष करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से जिस तरह से पैसे की उगाही हो रही है वो पूरी तरह से गलत है और उसकी एक एक जानकारी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी देश की जनता को, आम मतदाताओं को बताने के लिए, आम जनता को बताने के लिए प्रतिबद्ध है कि किस प्रकार से गड़बड़ झाला हो रहा था, किस प्रकार से आपके टैक्स के पैसे का मिसयूज हो रहा था। हम लोग आज लोगों के बीच में आए हैं ताकि आम जनता को जानकारी। ये सब चीज हो गया, अब आप क्या करेंगे? आपके दल जिसे इस तरह की घटनाएं तो हुई, गलत मान रहे आप भी, अब आपका दल क्या करेगा? हम तो जनता की अदालत में जा रहे हैं। सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। हम तो राजनीति में ट्रांसपेरेंसी के कायल हैं, हम पारदर्शिता चाहते हैं। हम कोई भी ऐसा चीज नहीं चाहते कि आज कोई सत्ता में कल नहीं रहेगा, आज हम विपक्ष में कल सत्ता में हो सकते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग करके सेंट्रल एजेंसी का मिसयूज नहीं करना चाहिए, ये हम लोगों को बताना चाहते हैं। और हम तो गतवा ये बताना चाहते हैं कि भाई इस तरह की चीजों को रोकने के लिए वैसे लोगों को सत्ता में नहीं लाना चाहिए जो लोग तानाशाही प्रवृत्ति के हैं। यह मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनाव, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। एक बात है, विरोध आप किसका कर रहे हैं, कांग्रेस को कम चंदा मिलने का या इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का? इलेक्ट्रॉल नहीं, हमारा ये नहीं करना है, कम चंदा और ज्यादा चंदा की बात नहीं। हम पूरे सिस्टम और पूरे प्रक्रिया जिस घृणित मानसिकता के तहत लाई गई थी उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम इस बात के कायल हैं कि आप एक एक चीज की जानकारी कांग्रेस पार्टी से या बाकी दलों से आप ले लीजिए, लेकिन हमारा यह मानना है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है ये गलत माध्यम है। एक बड़ी बात आपने कहा कि लोकतंत्र की हत्या और बलात्कार हो रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर लोकतंत्र की हत्या और बलात्कार हो रही है, इसलिए कि जो केंद्र में बैठी हुई सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो इस देश के अंदर में ऐसी तानाशाही प्रवृत्ति इन्होंने बढ़ावा कर दिया जिसमें कि चुनावों में ये फेयर गेम नहीं चाहते, ये फेयर इलेक्शन नहीं चाहते। अभी तो एक चिंता का विषय जो तरह तरह का बना ही हुआ है, अब आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं, ईडी को और आईटी को और सीबीआई के माध्यम से लोगों के